नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। जन्मदिन है आज, कितने मतलब किस तरह की बॉन्डिंग रही है और क्या शुभकामनाएं? बाकी से शुरू से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और बहुत सालों से आई थिंक निरहुआ रिक्शा वाला जो मेरी फिल्म का बहुत बड़ा एक हिट सॉन्ग था, बाकी की शुरुआती फिल्म से कुछ फिल्म में से वो एक थी, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब वेदर वी हैव वर्क टुगेदर और नॉट, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई बाकी एक लड़कियों में मैं जिसको रियल स्टार मानती हूँ, दैट इज़ भारती। इसके अलावा कोई खास मेमोरी है उनके साथ जो आज के स्पेशल मौके पर अगर आप शेयर करें? आप शेयर करना चाहूँगा, मैं एक डांस रियलिटी शो कर रहा था, डांस अगर, और उसमें मैंने पहली बार पाकिस्तान देखा था, उसमें गेस्ट जज आई थी और मुझे विश्वास नहीं हो कि कोई हीरोइन इतनी जो खूबसूरत हो सकती है बाकी चीज़ों की थी। आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात आई थी और मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनको देख के कि मुझे लगा कि इनके साथ अगर दोस्ती हो सके कुछ हो सके, और फिर आगे जाके संभावना के थ्रू मैं बाकी से मिला, फिर पता चला वो जितनी खूबसूरत अदाकारा है, जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी है। सो बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। मेरी मेमोरीज बाकी के साथ एक आध नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम लोगों ने इतने शोज साथ में किए हैं, इतने रियलिटी शो साथ में हम लोगों ने किए हैं, इतनी फिल्म साथ में करी है। ऑन एंड ऑफ स्क्रीन में ये कह सकती हूँ कि बाकी कुछ इंडस्ट्री में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं हमेशा, मेरी एक बहुत खास तौर से बॉन्डिंग गई है, दैट इज़ बाकी फेवरेट फॉर। जैसे एक रिंकू घोष है जो अब फिल्मों में काम नहीं कर रही है लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, वैसे ही बाकी चाहे वो फिल्मों में काम करें नहीं करें, बाद में करें, अभी करें तभी करें, वो हमेशा मेरी दोस्त रहे, ऐसा है बाकी के साथ। एंड बाकी शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, जैसे बोल रही हूँ ना कि ये नहीं है कि आपकी सूरत अच्छी है, उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है। वो चाहे आपसे 2 दिन बाद मिले या फिर 2 साल के बाद मिले, वो वैसे ही उसी एनर्जी से मिले। और आई थिंक बाकी की ये मुझे समझ नहीं आता कि एज उसकी कहाँ रुक गई है, वो बढ़ती ही नहीं आगे। वो जितनी खूबसूरत आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी, वो उतनी खूबसूरत आज भी है। सो आई थिंक ये दैट्स अ वेरी समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उन्हें भी मिल गया थोड़ा। तो बाकी की खूबसूरती को बाकी मैं कह सकती हूँ कि उसको टक्कर देना भी बहुत मुश्किल है, जो उसने अपने को मेंटेन कर रखा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आप दोनों फिल्म में दिखे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ऑडियंस का? देखिए, हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म में दिखाए। हम लोग ऐसे दिख जाए काफ़ी है, फिल्म में दिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉन्डिंग ऐसे दिख जाती है लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.